पीएम मोदी की मां हीराबेन के स्वास्थ्य के लिए देश भर में प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी है। जहां एक मंदिरों में मंत्रोच्चार किया जा रहा है, पाठ किए जा रहे हैं, तो वहीं दरगाहों में इबादत भी पढ़ी जा रही है। पीएम मोदी की मां हीराबेन के स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थनाओं का दौर जारी है। काशी से लेकर बुंदेलखंड तक हर कोई मां हीराबेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। काशी में मां हीराबेन के लिए विशेष गंगा आरती की गई। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पीएम की मां के लिए प्रार्थना की। काशी के विद्वानों ने महामृत्युंजय का पाठ किया। मोदी जी की माता जी का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब है, सो हम लोग आज उनकी कुशल कामना के लिए आरती कर रहे हैं और समर्पित कर रहे हैं ये आरती उनको। तो वही महोबा के मंदिरों में प्रार्थना और मजारों में दुआओं का दौर शुरू हो गया। शहर के प्राचीन संकट मोचन हनुमान धाम में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जी की तबीयत खराब हुई है, और तो हम उनकी माता जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, उनके दीर्घायु जीवन के लिए हम यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ बजरंगबली महाराज जी के सामने कर रहे हैं। तो वहीं शहर के दाता शाह की मजार पर इकट्ठा हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने इबादत की। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता की तबीयत खराब है, इसलिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी माता जी अच्छी हो जाएं। ये हम लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो वालिदा साहब की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, उनके हक में हम सब दुआ कर रहे हैं। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे मदरसे के जो हिफ्ज कर रहे हैं। दरअसल हीराबा को सांस लेने में तकलीफ और कफ की शिकायत के बाद अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट।